our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. जो आप देखोगे इस तरह से थीम वगैरह बनाई हुई है इंडिया को, अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं आप. The night's young. तो गाइस ये है वहाँ का चाइना टाउन. अगर आप लोगों को चाइनीज़ आइटम देखने हैं और चाइनीज़ खाना खाना है, नॉन वेज फॉलो के लिए तो बेस्ट है. अगर आपको नॉन वेज खाना है तो बेस्ट जगह है, सही है अपने मोहल्ले में. मुझे लगता है शाम को ज़्यादा सही रहता होगा, तो इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है बट ठीक ठाक है. तो अभी बस मैं घूम रहा हूँ यहाँ गलियों में, भटक रहा हूँ, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे. अच्छा लग रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है. ये लोग चाइना टाउन निपटाने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वीवो सिटी, क्योंकि चाइना टाउन मेट्रो स्टेशन से 2 स्टेशन ही आगे है. चाइना टाउन से बर्गर फ्रंट आके यहाँ पे आप वीवो सिटी में जैसे आते हो मॉल में, यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. मैकडी वगैरह अवेलेबल है सारा. तो अब यहाँ से जो है सेंटोसा के लिए एक्सप्रेस चलती है. सो गाइस ये है आइकॉनिक यूनिवर्सल स्टूडियो और यहाँ पे आप आउटसाइड जो है बिना किसी टिकट के घूम सकते हो. खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं. तो गाइस वहाँ से अब हम आ गए सीधे बीच स्टेशन पे. तो गाइस ये फोर्ट की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, 1879 में बना हुआ था. बाकी डिटेल हिस्ट्री के लिए यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा, पॉज करके देख लेना. लोग अगर खाने के शौकीन हो तो इस जगह पे आना बिल्कुल मत भूलना. वो कि इसमें जैसे ही आप एग्जिट कर दो मेट्रो स्टेशन से, वहीं पे आपको दिख मिल जाएगा. बहुत अमेजिंग वैरायटी. तो भाई लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण के टेम्पल में, जो कि 19th century का बताते हैं. सो गाइस अगर आप सिंगापुर आ रहे हो और बुगिस स्ट्रीट की साइड आओगे तो श्री कृष्ण टेम्पल विजिट करना बिल्कुल मत भूलना. बहुत ही पास में है और बहुत ही अमेजिंग, एकदम अच्छे सा बनाया मंदिर है, मज़ा आ गया. बहुत पुराना है, 19th century का मंदिर है और इसी के बगल में एक और कुछ चाइनीज़ का टेम्पल भी है आई गेस. तो गाइस अब बुगिस स्ट्रीट के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ. यहाँ पे एक मॉस्को है, बहुत सुल्तान मॉस्को करके बहुत फेमस है. सो गाइस जैसे आप अरबी स्ट्रीट में पहुँचते हो, थोड़ा सा आगे चल के अगर आप राइट देखोगे तो ये रहा सुल्तान मॉस्को, पूरा वृंदावन बनाया हुआ है अभी. तो गाइस अगर आप अरब स्ट्रीट आते हो तो ये हाजी लेन है, तो शाम के टाइम में बहुत अच्छा माहौल बना रहता है यहाँ पे. तो भाई लोग ये अगर अरब स्ट्रीट आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे भाई चाय वाले की अदरक की चाय जरूर ट्राई करना, बहुत अमेजिंग है, दिन भर की थकान मिटा दी एकदम. क्या बोलते हो पीयूष भाई,
और मीट पीयूष एंड मेघना।